आपको बता दें कि इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसलिए हमने उसको पूरा करने का काम किया। हमारे जहन में ये बात नहीं है कि हमको सिर्फ इलेक्शन का फायदा उठाना है। यकीनन कोई स्कीम, जब कोई सरकार, कोई पार्टी अगर कोई स्कीम नाफिज करती है, उसके पीछे एक बड़ा मकसद ये भी होता है कि जिस प्लान को लेकर के, जिस वादे को लेकर के, जिस आदर्शों को लेकर के या जिन वादों को लेकर के हम लोगों के दरमियान में आए हैं, हम उनको पूरा करें। और अगर हम उन्हें पूरा करने में आखिर तक नाकाम हों या हम उसको बनाने में नाकाम रहे, तो जाहिर है कि लोग हमसे सवाल पूछेंगे। इसलिए हमने किए गए वादों को ज्यादातर को पूरा करने का काम किया है। अब उसका असर चाहे देर में हो या बाद में हो, हमें इसकी फिक्र नहीं है। हमें नुकसान हुआ है, अगर हमने पहले किया होता तो हम शायद छत्तीसगढ़ में उसका फायदा उठाते, मध्य प्रदेश में उठाते, लेकिन कोई बात नहीं। लोग आप बाद में महसूस करेंगे, बाद में ये कहेंगे हाँ कांग्रेस ने एक अच्छा काम किया था, कांग्रेस की सरकार ने एक अच्छा काम किया था। जी क्या ये घोषणा एक सरप्राइज के रूप में मिल सकती है? अब ये तो मैं भी नहीं बता सकता आपको, ये भी नहीं बता सकता। उन्होंने कहा है अप्रोप्रिएट टाइम पर इसका ऐलान किया जाएगा, और मैं समझता हूँ कांग्रेस प्रेसिडेंट ने अगर ऐसा किया है तो शुक्रिया।